नमस्कार, मैं स्वाति द्विवेदी आप सभी दर्शकों का द फेस ऑफ इंडिया के ऑडियो न्यूज बुलेटिन में स्वागत करती हूं। लगातार हो रही बारिश के चलते महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटका और गोवा में बाढ़ का कहर जारी है। जहां बिहार में 11 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं, तो वहीं महाराष्ट्र में बारिश से संबंधित घटनाओं में अब तक 129 लोगों की मौत हो चुकी है। कर्नाटका में भारी बारिश की वजह से बेलगावी में लैंडस्लाइड हुआ, जिसके बाद एक ट्रेन इस लैंडस्लाइड की चपेट में आ गई। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना संक्रमण के कुल 39,097 नए केस सामने आए हैं। केरल में 17,518 केस कोरोना वायरस के एक दिन में ही सामने आए हैं। वहीं 546 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई है। गुजरात में राजकोट के होटल सिल्वर में देर रात लगी आग, हुआ करोड़ों का नुकसान। कर्नाटका सरकार ने कोरोना प्रतिबंध में छूट देते हुए अब मंदिरों को भी खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि इन प्रतिष्ठानों को कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा। गाजियाबाद लोनी इलाके में मिला गर्भवती महिला का शव, हत्या की आशंका। टोक्यो ओलंपिक वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने जीता सिल्वर, पीएम मोदी ने दी बधाई। महाराष्ट्र रायगढ़ में बाढ़ प्रभावित इलाकों का सीएम आज लेंगे जायजा। बंगाल बीजेपी कार्यकर्ता और बीजेपी सरकार की कथित हत्या में दो लोगों को किया गिरफ्तार, अब तक 7 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। महाराष्ट्र की बारिश में बीते 2 दिन में 90,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। 76 की मौत हो गई है और 30 अब तक लापता हैं। इस ऑडियो बुलेटिन में बस इतना ही। जुड़े रहिए द फेस ऑफ इंडिया के साथ। नमस्कार।